गर्भ धारण करने के बाद से ही गर्भवती महिलाओं को अपनी कुछ आदतों में परिवर्तन करना होता है। जैसे दोस्तों सामान्य महिला और प्रेग्नेंट महिला में बहुत अंतर होता है, तो इसलिए गर्भाधान के बाद से ही महिलाओं को अपनी उन आदतों को छोड़ना होता है और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। तो वीडियो को देखते रहिएगा एंड तक बिना स्किप किए। जैसा कि दोस्तों आधुनिक समय में कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि धूम्रपान करती हैं, शराब पीती हैं, तो खासतौर पे उन महिलाओं को ये बुरी आदत तुरंत छोड़ देनी चाहिए जैसे ही वो गर्भवती होती है। शराब और धूम्रपान करना गर्भ में शिशु के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। इससे गर्भ में शिशु बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और उसका विकास नहीं हो पाता है ठीक से। दूसरी बात गर्भवती महिलाओं को ध्यान में रखनी है वो ये कि इस दौरान अपने खाने पीने का सही समय बना लेना चाहिए। खाना टाइम पे खाएंगे तो आपका खाना पचेगा। प्रेग्नेंट महिलाओं को अपना डाइट प्लान बना लेना चाहिए कि उन्हें कब किस समय क्या क्या खाना है। तो इस विषय में मेरे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक ऊपर आई बटन में फ्लैश हो रहा है। साथ ही इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। कई महिलाएं जो कि बाहर का खाना खाने की काफी शौकीन होती हैं, जंक फूड हो या फिर बाहर का खाना, प्रेगनेंसी के दौरान बाहर के खाने को बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप इसे टाटा बाय बाय बोल दीजिए, क्योंकि बाहर का मिर्च मसालेदार खाना, तला भुना खाना और साथ ही जंक फूड जिसमें कि ज्यादातर अजीनोमोटो डला होता है, वो प्रेगनेंसी के दौरान आपकी गर्भ में शिशु के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। आपको अपने कम पानी पीने की आदत को भी बदल लेना है। सामान्यतः पानी पीने की हमारी आदत नहीं होती है, जब पानी की बोतल सामने दिख जाती है तो हम पानी पी लेते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट महिला को लगातार पानी पीते रहना चाहिए। दोपहर के समय प्रेग्नेंट महिला को कम से कम 8 से लेकर 10 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। तो ये तो बात थी खान पान की। अब रहन सहन की अगर बात करूं तो जैसा दोस्तों कई गर्भवती महिलाओं की आदत होती है जो घर में होती है कि बहुत सारा काम करने की आदत होती है, दिन भर घर के छोटे मोटे और बड़े कामों में लगी रहती है, तो अब आगे ध्यान रखिए कि आप गर्भवती हैं और आपको इस दौरान कोई भी भारी भरकम काम नहीं करना है। अपने शरीर को ज्यादा थकाना नहीं है। घर के छोटे मोटे काम आपको करने हैं, लेकिन आपको कोई भी भारी काम इस दौरान नहीं करना है। इसके अलावा एक ही जगह पर बहुत देर तक आप खड़े ना रहें, बहुत ज्यादा देर तक एक ही जगह पर बैठे नहीं, चहलकदमी करते रहें और अपने शारीरिक आराम पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। चलने फिरने में कई औरतें बहुत ज्यादा तेजी से चलती हैं, तो अगर आप भी बहुत तेजी से चलती हैं, बहुत फुर्ती से हर काम को करती हैं, तो इस आदत को भी बदल दीजिए। आपको गर्भावस्था के दौरान चलना फिरना करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी से आपको इस दौरान नहीं चलना है। कोई भी उछल कूद का कार्य आप इस दौरान ना करें। दोस्तों इस दौरान अपने सोने का टाइम निर्धारित कर लें। आपको रात्रि को जल्दी सो जाना चाहिए। देर रात तक और घंटों तक टीवी देखना या फिर मोबाइल को चलाना, ये सब आपकी गर्भावस्था पर कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई महिलाओं की आदत होती है कि वो छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगा लेती हैं, और दिल से लगाने के बाद उनके दिमाग में ये हावी होने लगती हैं और वो कहीं ना कहीं तनाव लेने लगती हैं। तो अगर आपकी भी ऐसी आदत है तो इन आदतों को भी आपको इस दौरान छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तनाव लेना आपके बच्चे के दिमाग पर बुरा असर डालता है। आप इस चीज को लेके खुश रहिए कि आपके गर्भ में एक छोटा नन्ना मुन्ना सा बेबी आने वाला है, उसकी किलकारियां आपके घर में गूंजने वाली हैं। नेगेटिविटी से आपको दूर रहना है। नकारात्मक चीजें, नकारात्मक बातें इस दौरान आपको बिल्कुल भी नहीं सुननी चाहिए। आपके दिलो दिमाग मस्तिष्क में नकारात्मक बातें चलती है तो गर्भ में शिशु के दिमाग में भी ठीक वैसा ही चलता है, क्योंकि जैसा आप खाती पीती हैं, जैसा आप सोचती है, उसी तरीके से गर्भ में शिशु भी सोचता है, समझता है, क्रियाकलाप करता है। हमेशा पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों के बीच में ही अपना उठना बैठना करें। अगर अभी तक आप टाइट या फिर तंग कपड़े पहनती भी आई हैं या फिर हाई हील्स पहनती भी आई हैं, तो गर्भाधान के बाद आप अपनी इस आदत को भी चेंज कर लीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपको हाई हील्स बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए और इसी तरीके से तंग कपड़े पहनने से भी गर्भवती महिलाओं को बचना चाहिए। आपको इस दौरान बिल्कुल फ्लैट और कंफर्टेबल चप्पलों का ही चुनाव करना चाहिए और कॉटन के ढीले ढाले और आरामदायक कपड़ों का चुनाव इस दौरान महिलाओं को करना चाहिए। और अंत में दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर आप बहुत ज्यादा अभी तक ट्रैवलिंग करती रही हैं, करती आई हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको ट्रैवलिंग इत्यादि को भी
कम करना होगा या फिर बिल्कुल बंद करना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग प्रेगनेंसी के दौरान करना कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता है। तो ध्यान रखिए कि आपको लगातार और घंटों की ट्रैवलिंग नहीं करनी है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी इन पुरानी आदतों को छोड़ देते हैं तो आप अपनी गर्भावस्था को स्वस्थ और सुरक्षित बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। हमारे इस चैनल हेल्थ ट्रिक्स एंड टिप्स में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।